हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ वरुणा शर्मा। यू आर वॉचिंग विवरा क्लासेस। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बेटा, आज हम नाइन्थ क्लास का एक और इम्पॉर्टेंट डायग्राम लेकर आए हैं चैप्टर 5 से, एंड दैट इज़ एनिमल सेल। आज हम स्टडी करेंगे अपनी इस वीडियो में एनिमल सेल को। तो एनिमल सेल में देखिए, एनिमल सेल में जैसे कि हमें पता है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो ये देखिए, एक जनरल स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का। इस एनिमल सेल में आप देखिए कि आउटर मैम्ब्रेन, यहाँ पर देखिए जो आउटर मैम्ब्रेन है, दिस आउटर मैम्ब्रेन इस प्लाज्मा मैम्ब्रेन। और प्लाज्मा मैम्ब्रेन जो है बनी हुई होती है लिपिड्स मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की। यहाँ पर साथ साथ आप देखें तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही कुछ एक जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं, एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज माइक्रोविलाई। फाइन, फिर साथ ही आप देखें कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो पिंकिश एरिया है लाइट पिंक कलर में, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, दिस इज साइटोप्लाज्म। और जो पेरिफ्री की साइड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, यानी किनारे पर, पेरिफ्री का मतलब किनारे पर, एंड दैट इज़ नोन एज साइटोसोल। इसके अलावा न्यूक्लियस में अगर हम देखें तो न्यूक्लियस इसमें एनिमल सेल में सेंट्रली लोकेटेड है। यहाँ पर देखिए सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड दिस न्यूक्लियस इज़ कवर्ड बाय डबल मैम्ब्रेनस लेयर, दैट इज़ न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। यानी डबल मैम्ब्रेनस न्यूक्लियर मैम्ब्रेन से कवर्ड होता है न्यूक्लियस, क्योंकि ये एक यूकैरियोटिक सेल है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मैम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। न्यूक्लियर मैम्ब्रेन जो है कंटिन्यूस नहीं होती है, बीच बीच में यहाँ पर देखिए कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज पोर्स आर नोन एज न्यूक्लियोपोर्स। न्यूक्लियोपोर्स का जो अगर हम देखें, यानी न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियोपोर, जो न्यूक्लियर पोर या न्यूक्लियोपोर है, इनका फंक्शन होता है कि इन छोटे छोटे पोर्स के थ्रू न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल्स को एक्सचेंज करने का काम है इनका। फाइन, साथ ही आप देखें ये जो यहाँ पर न्यूक्लियस में जो पूरा पार्ट है, ग्रैन्यूलर पार्ट, दिस पार्ट इज़ नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर देखें हम यहाँ पर, तो इसमें क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियोप्लाज्म में ही क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, यानी डीएनए या सेल का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। साथ साथ ही एक डार्क कलर स्टेन्ड बॉडी प्रेजेंट है, विच इज़ नॉट कवर्ड बाय एनी मैम्ब्रेन, एंड दिस डार्क स्टेन्ड बॉडी इज़ नोन एज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस है तो न्यूक्लियर मैम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मैम्ब्रेन में न्यूक्लियोपोर है, न्यूक्लियोपोर के बाद का काम है मटेरियल को एक्सचेंज करना, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये, और इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक डार्क स्टेन बॉडी है, दैट इज़ न्यूक्लियोलस, एंड जेनेटिक मटेरियल इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बाद अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड है। देखिए कंटिन्यू कर रहा है ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये देखिए इस टाइप का ही जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बन रहे हैं, ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आप देखिए कि यहाँ पर ये ग्रैन्यूलर है, यानी कि यहाँ पर जो है ये देखिए ग्रैन्यूलर है। तो ये जो जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये ग्रैन्यूल्स मींस राइबोसोम्स हैं, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तब हम इस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जैसे ये एक टुकड़ा यहाँ पर भी है, ये इस तरीके से स्कैटर्ड है, बहुत ज़्यादा नेटवर्क नहीं है, बीच बीच में ब्रेक है, ये देखिए आप, ये ठीक है देख सकते हैं। साथ साथ ये भी कुछ एक ट्यूब्यूल्स हैं, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसकी बाहर की सरफेस पर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, कोई ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, दैट इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स की होती है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि प्रोटीन बनाने का काम है, क्योंकि इसकी आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन का इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है इनका। और स्मूथ राइबोसोम में क्योंकि यहाँ पर एब्सेंट है राइबोसोम्स तो इसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है लिपिड फॉर्मेशन का, ये लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। इसके अलावा आप देखिए कुछ एक ये फ्लैटेंड जो हैं छोटे छोटे रॉड शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, दीज आर नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है ये, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी इनका काम है सेल को, सेल के अंदर एनर्जी लेवल को मेंटेन करना और एटीपी मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर स्टोर करना। इसी के साथ साथ आप देखें यहाँ पर ये जो हैं गॉल्जी अपरेटस प्रेजेंट है, मींस गॉल्जी बॉडीज प्रेजेंट हैं। गॉल्जी बॉडीज़ देखिए यहाँ पर ये स्टैक्स की फॉर्म में है और यहाँ पर इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं गॉल्जी अपरेटस। ये जो गॉल्जी अपरेटस हैं ये डिस्कवर हो किए थे कैमिलो गॉल्जी ने, फाइन। और इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है सिक्रीटरी, यानी ये सिक्रीटरी है फंक्शन, इनका सिक्रीशन करना, मॉडिफिकेशन करना, शुगर लाइक सब्सटेंस को मॉडिफाई करते हैं ये। पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग फंक्शन भी इन्हीं का ही है, पैकेजिंग और डिस्पैचिंग से रिलेटेड। साथ साथ आप देखिए यहाँ पर ये जो है एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड कुछ एक स्मॉल बॉडीज़ हैं, राउंडेड बॉडीज़, एंड दीज बॉडीज़ आर नोन एज लाइसोसोम्स, कॉमनली जिनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। मीन्स ये अपने अंदर बड़े ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कैरी कर रहे हैं, एंड दीज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर वेरी 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 पावरफुल केमिकल्स। ये जो है एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को जनरली डाइजेस्ट बड़ी आसानी से कर देते हैं, और जब इनको कुछ भी नहीं मिलता डाइजेस्ट करने के लिए तब ये अपनी खुद की मेम्ब्रेन को यानी खुद को भी जो है डाइजेस्ट कर देते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं सुसाइडल बैग्स। ये हाउसकीपर्स ऑफ द सेल्स होते हैं, सेल में हाउसकीपिंग का काम, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को साथ साथ रिमूव करने का काम इन्हीं का होता है, फाइन। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ एक यहाँ पर ये डिप्रेशंस प्रेजेंट हैं, दीज आर एंडोसिस्टिक। अगर हम लें तो ये जो एंडोसाइटिक वेसिकल्स हैं यानी एंडोसाइटोसिस यहाँ पर चल रहा है, मीन्स बाहर से किसी मटेरियल को सेल के अंदर ओप लेना, उसको प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और अगर हम सेल के वेस्ट मटेरियल को आउटर मेम्ब्रेन की सरफेस से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस से बाहर रिमूव करेंगे, दैट इज़ एक्सोसाइटोसिस, फाइन। इसी के साथ साथ आप देखें कि यहाँ पर ये छोटे छोटे ये रॉड शेप स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर ये देखिए लंबे लंबे फिलामेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये सेल में स्केलेटन का काम करते हैं, सेल की शेप मेंटेन करने का काम करते हैं, फाइन। इसके साथ साथ अगर हम लें तो माइक्रोफिलामेंट्स भी सेल में प्रेजेंट हैं, और एनिमल सेल में बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल और भी प्रेजेंट है, दैट इज़ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आप देखिए ये सेंट्रियोल है जो कि सेल डिवीज़न के टाइम पर स्पायरल रेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो सेंट्रियोल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है एनिमल सेल के अंदर। तो ये आज हमने जो स्टडी किया है वो एक हमने एक जनरल सेल स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया है कि जनरल एनिमल सेल में क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप आज आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा कि जनरल व्यू अगर हम लें तो एनिमल सेल में क्या क्या हमें दिखाई देता है। और फिर भी अगर किसी का कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ साथ बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लो इस डायग्राम का, फाइन।